श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा और लेकर के हाजिर हूं आपके लिए विशेष प्रकार का फल, राशि फल 2020 अप्रैल माह के लिए। बहुत महत्वपूर्ण ये माह है और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें घटित होने वाली हैं इस माह में। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ विशेष चीज़ों पर, कुछ विशेष तिथि पर, कुछ विशेष त्यौहार पर, कुछ विशेष मुहूर्त पर। इस माह विशेष विशेष क्या होने वाला है उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे आपके राशिफल को लेकर के, कि कई बार तिथि त्यौहारों की जो जानकारी है वो हमें आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती। बहुत सारे लोगों ने लिखा, यूट्यूब पर लिखा, फेसबुक पर कमेंट पर लिखा कि साहब हमें तिथि त्यौहारों की जानकारी भी अगर राशिफल के माध्यम से मिल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले दो ग्रहों का परिवर्तन इस बार हो रहा है, वो आपको बता दूं। अप्रैल के माह में 7 तारीख को बुध परिवर्तित होकर के आपके पहुंच जाएंगे मीन राशि के अंतर्गत और 24 अप्रैल को, एक माह में दो बार बुध का परिवर्तन होने वाला है, 24 अप्रैल को मेष राशि के अंतर्गत प्रवेश कर जाएंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं 13 तारीख को सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा, मेष राशि के अंतर्गत पहुंच जाएंगे। अप्रैल के माह को लेकर के देखा जाए महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो शुरुआत का दिन है वास्तविकता में अप्रैल माह का, जो शुरुआत है बुधवार और अष्टमी तिथि से शुरुआत होने जा रहा है। अप्रैल माह का जो शुरुआत है वो दिन होगा बुधवार और उसके साथ जो तिथि होगी वो अष्टमी तिथि से अप्रैल माह का शुरुआत होगा। प्रमादी नामक संवत्सर आप लोग जानते हैं पहले लग ही चुका है। 2 अप्रैल को रामनवमी और दुर्गा नवमी, 2 अप्रैल को रामनवमी और दुर्गा नवमी होगी, उसके साथ 4 तारीख को एकादशी और 18 तारीख को अप्रैल माह में एकादशी पड़ेगी। दोनों एकादशियां एक 4 तारीख को होगी और एक 18 तारीख को पड़ने वाली है। पूर्णिमा का व्रत 7 तारीख को होगा, जो लोग प्रातः दान इत्यादि करते हैं उनको 8 तारीख को करना होगा। 17 से लेकर के 22 तारीख तक, जो 17 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में पंचक रहेगा, जो भी शुभ कार्य इत्यादि हैं पंचक इत्यादि में निषेध माने जाते हैं, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। 23 को अमावस्या रहेगी, 23 तारीख को पितृकार्य हेतु तो अमावस्या होगी, आप ध्यान रखिएगा। संस्थान में विशेष रूप से पितृदोष निवारण इत्यादि यज्ञ इत्यादि का आयोजन हर अमावस्या को किया जाता है, तो यदि किसी प्रकार से पितृ शांति इत्यादि कराना है तो भी आप संस्था में संपर्क कर सकते हैं। 26 तारीख को अक्षय तृतीया होगी, अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त होती है किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए। अक्षय तृतीया से विशेष और कोई दिन नहीं हो सकता है। अक्षय तृतीया को किया जाने वाला जो कार्य है वो बहुत लाभ प्रदान करने वाला होता है। नौकरी परिवर्तित करना है या नई नौकरी ज्वाइन करना है या कोई व्यापार प्रारंभ करना है, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अक्षय तृतीया के दिन को सेलेक्ट किया जा सकता है। अक्षय तृतीया के दिन किया जाने वाला कार्य, इवन धार्मिक कृत्य इत्यादि, अक्षय तृतीया के दिन यदि हम कोई पूजन इत्यादि करते हैं, कोई पाठ इत्यादि करते हैं, कोई जप इत्यादि करते हैं, तो बहुत अक्षय फल देने वाला होता है हमारे जीवन में। जिस चीज़ का कभी क्षय ना हो उसको अक्षय कहा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत ये जो हमारे माह के व्रत और त्यौहार इत्यादि हैं इनको मैंने आप लोगों को बताया। आपका अपना राशिफल राशि मकर के लिए 2020 अप्रैल माह का बहुत महत्वपूर्ण माह है ये आपके लिए। बहुत चीज़ें अच्छी दे करके जाने वाला है और कुछ चीज़ें खराब है जिस पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब सुन लीजिए अच्छी चीज़ें क्या है और खराब चीज़ें क्या है। सबसे पहले स्वास्थ्य आपका इस माह बेहतर रहने वाला है, मज़ेदार स्वास्थ्य रहने वाला है। एक्टिव रहेंगे, भाग दौड़ करेंगे और उस भाग दौड़ से अच्छे रिजल्ट आएंगे, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। दवा इत्यादि लेंगे तो उसका भी अच्छा फल प्राप्त होगा। लेकिन हम अगर राशि फल पर बात कर रहे हैं तो और भी चीज़ों पर डिस्कस करना जरूरी है। जैसा कि नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं या चाहती हैं तो इस माह जरूर उसके लिए प्रयास कीजिए, आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। प्रमोशन इत्यादि चाहते हैं या चाहती हैं नौकरी के अंतर्गत तो उसके लिए भी आपको प्रयास करना चाहिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होने वाली है। प्रमोशन इत्यादि आपको सोच भी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे कि मुझे प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन इस माह का किया गया कोशिश निश्चित रूप से आपको प्रमोशन दिलाने वाला होगा, आपको सफलताएं दिलाने वाला होगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है जो बताने जा रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत महत्वपूर्ण विषय कैसे, आपके ज़िंदगी में किसी की एंट्री होने वाली है,
बड़े प्रेम के साथ उनका आपके जीवन में एंट्री होने वाली है। किसी का भी हो सकता है, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, अगर स्त्री हैं तो कोई पुरुष, लड़की हैं तो कोई लड़का, जो भी है इनकी एंट्री आपकी लाइफ में ज़रूर होने वाली है। और अगर पुरुष हैं तो किसी स्त्री की एंट्री आपकी लाइफ में ज़रूर होने वाली है। लेकिन ये एंट्री इतनी साधारण नहीं है, ये बहुत खतरनाक एंट्री है और ये एक साजिशपूर्ण एंट्री है, ध्यान रखिएगा। एक साजिश के तहत आपकी लाइफ में कोई प्रवेश करने जा रहा है। ऐसी कंडीशन में या तो उनको प्रवेश ना दीजिए या तो उनके बारे में पूरी सावधानी रखिए। कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो ऐसी कंडीशन में पूरी सावधानी रखना है। अगर पूरी सावधानी रखेंगे या रखेंगे तो सफलता प्राप्त हो पाएगी, नहीं तो आपकी बढ़ती हुई प्रसिद्धि से जल करके लोग आपके जिंदगी में, खुद कोई नहीं आ रहा है, उसको भेजा जा रहा है, तो उनके आपके जीवन में आने से आपकी बहुत सारी चीज़ें, जो इंटरनल चीज़ें, उसको इकट्ठा करके और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जो अभी कुछ समय से जो आपका राशिफल मुझे दिख रहा था, जो आपकी राशि का राशिफल दिख रहा था, इसमें कुछ लोग आपको बहुत ध्यान से देख रहे हैं और आपकी प्रसिद्धि से बहुत लोग जल रहे हैं, अंदर अंदर जल रहे हैं और वो मौका तलाश रहे हैं कि आप एक गलती करें, नहीं आपने एक गलती किया नहीं कि वो आपकी उस गलती का फायदा उठा करके आपको नुकसान पहुंचा दे। तो कुछ भी आप कर रहे हैं इस कंडीशन में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि आपके साथ दिक्कतें ना हो, इस चीज पर आप विशेष सावधानी रखेंगे, निश्चित रूप से एक अच्छा रिजल्ट आपके सामने होगा। इस माह हमें क्या करना होगा, एक तो तिल मिश्रित करके कच्चा दूध लेकर के भगवान शिव को रोज चढ़ाना है। तिल मिश्रित कच्चा दूध भगवान शिव को ले जाकर के अर्पण करना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिदिन 5 मिनट जप करना है। ये जो दो उपाय है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दोनों उपाय से जो भी व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र तैयार कर रहे हैं या कर रही हैं, उनको कहीं ना कहीं मन में डर रहेगा कि अगर इनके खिलाफ हमने षड्यंत्र तैयार किया तो हमें नुकसान हो सकता है। इस उपाय को भूलिएगा नहीं, कीजिएगा जरूर। अगर किसी प्रकार से दिक्कत है या जो मैंने बताया है ऐसा अगर हो रहा है तो प्लीज़ संस्था का नंबर है, तुरंत कॉल कर लीजिए और कॉल करके वहाँ पर जो बेहतर मार्गदर्शक हैं उनसे बात कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए इसका उपाय क्या हो सकता है और वहाँ से आपको उपाय इत्यादि प्राप्त होगा। करके अपने महीने को बहुत सुंदर बनाइए, जीवन खूबसूरत है, खूबसूरती से इसका आनंद लीजिए, सफलता प्राप्त कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा, तक के लिए जय श्री राम।